बार्क के 18वें हफ्ते की टॉप 5 शोज की लिस्ट सामने आ चुकी है। जी हां, इस हफ्ते की लिस्ट में कई ऐसे टीवी शोज शामिल हैं जो लंबे वक्त के बाद बार्क की लिस्ट में जगह बना पाए हैं। तो वहीं अब तक टीआरपी में रूल कर रहे कई टीवी शोज हो चुके हैं टॉप 5 शोज की लिस्ट से बाहर। जी हां, हैरान की बात ये है कि इस हफ्ते अनुपमा पहले पायदान से नीचे खिसक चुका है। तो चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि इस हफ्ते टॉप 5 की लिस्ट में कौन कौन से टीवी शोज शामिल हुए हैं। हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं नंबर 5 के पायदान पर आए शो से। तो पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी 5वीं पोजीशन पर है साथ निभाना साथिया 2। जी हां, शो ने कमाल करते हुए अच्छी रेटिंग्स हासिल की है। आपको बता दें कि इस हफ्ते शो ने पिछले वीक से भी ज्यादा रेटिंग्स हासिल किए हैं, जो है 5798 रेटिंग पॉइंट्स। चौथे पायदान पर आए शो की बात की जाए तो पिछले वीक इस पोजीशन पर ये रिश्ता क्या कहलाता है शो था, लेकिन इस बार इस नंबर पर आ पहुंचा है सब टीवी का कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जहां कॉमेडी से भरे इस शो ने फिर से कमाल करते हुए हासिल किए हैं 6247 रेटिंग पॉइंट्स। तीसरे पायदान पर पिछले हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी है सुम्बुल तौकीर और कश्मीर महाजनी स्टारर शो। जिया, लगातार ये शो जिस तरह से कमाल कर रहा है उससे मेकर्स, स्टार्स और फैंस सभी खुश नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते शो ने हासिल किए हैं 7486 रेटिंग पॉइंट्स। वही बात की जाए इस हफ्ते दूसरे पायदान पर आए शो की, तो इस नंबर पर है पिछले कई महीनों से नंबर 1 पर आने वाला शो राजन शाही का शो अनुपमा। जी हां, लंबे वक्त के बाद ये शो पहले पायदान से नीचे खिसक चुका है, जो कि फैंस को काफी हैरान कर देगा। और इस हफ्ते रूपाली गांगुली स्टारर शो ने हासिल किए हैं 7691 रेटिंग पॉइंट्स। वेल, बात की जाए उस शो की जिसने अनुपमा शो को पीछे धकेलते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल की, तो वो है स्टार प्लस पर ही बेहद कम वक्त में कमाल करने वाला शो गुम है किसी के प्यार में। जी हां, नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह स्टारर ये शो बन गया है इस हफ्ते नंबर 1 शो। और शो ने सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करते हुए हासिल किए हैं 8754 रेटिंग पॉइंट्स। वेल, तो ये है इस हफ्ते के टॉप 5 शोज की लिस्ट। अगले हफ्ते देखने वाली बात होगी कि आने वाले वीक में लिस्ट में कौन कौन से शोज शामिल होंगे।